अस्सलाम वालेकुम आदाब। जो फरदापुर पॉलिटिशियन का दूसरा पार्ट है, जो कासले साहब एपीआई मोरे साहब का सत्कार करते हुए नजर आ रहे, ये देखिए जो नए एपीआई साहब वागमारे साहब का सत्कार करते नजर आ रहे, तो इसी में पूरी मुकम्मल मालूमात हम देने वाले। जो सोयगांव के एपीआई साहब भी यहाँ मौजूद है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाले। अब्दुल्लाल मोहम्मदी का क्या कहना है और तमाम लोगों ने जिसने इतने अपनी अपनी बात रखे, किस तरीके से रखे, ये वीडियो में आपको पूरी मुकम्मल मालूमात देने वाले। मोरे सर ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर एक एक सिपाही की तरह किस तरह से मतलब उस व्यक्ति को वहां से इवैक्यूएट किया था, वहां से निकाला था, तो मैं समझता हूं कि पूरे संघर्ष के साथ जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जो जान बचाने का जिम्मा होता है, और जो हम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आज अपनी एक विशिष्ट कार्यक्रमासाठी जमलेले आहेत। आपलं फरदापूर पोलीस स्टेशन येथे नियुक्त असलेले एपीआय अमोल मोरे सर यांची बदली झाल्याने व त्यांच्या जागेवर आपल्याला माननीय एपीआय वाघमोडे सर यांची नियुक्ती झाल्याने एपीआय मोरे साहेबाचा निरोप समारंभ व वाघमोडे साहेबाचा स्वागत समारंभ असा हा छोट्याखानी कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे। सर्वप्रथम मी मोरे सरांना विनंती करतो की सरांनी वाघमोडे सरांचं स्वागत बुके देऊन सरांचं स्वागत करावं। वाघमोडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या इथून बदलून गेलेले माननीय एपीआय मोरे सरांना पुष्पगुच्छ देऊन संधीचे द्या। यानंतर आपले सहगवते नियुक्त असलेले एपीआय शिरसाट सरांना विनंती करतो की सरांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा द्यायच्या। सभी को मालूम है निरोप समारंभाचे सत्कार मूर्ति आदरणीय मोरे साहेब, तसेच व्यासपीठावर त्यांच्या बाजूला बसलेले नव्याने आपल्या पोलीस हेडला आलेले आपले नवीन पीआय वाघमोडे साहेब, सिरसाट साहेब, कासले साहेब, मोरे साहेबांच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आपल्या सर अजंता न्यूज। त्यानंतर अजंता न्यूजचे आम्हाला नेहमी मदत करणार आहे जो भी समस्या रही मोरे साहब से मेरी बातचीत हमेशा खुलकर हुई और मोरे साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं रखी। कोई भी समस्या गांव की रही जाकर भाई तुम आओ ये बात ऐसी की ऐसी है, हम दो पांच लोग मिलकर ये समस्या को हल करते थे। मैं निसार भाई को बुलाता था, अज्जू सरपंच, बिलास भाऊ अपने, मुख्तार भाई, पुलिस पटेल। एक घटना ऐसी घड़ी थी कि साहब ने जिसको दूध में से मक्खी कैसी निकालते वैसा एक काम यहाँ पे करे साहब ने, इतना ही बोलता मैं दोष समझने वालों को इशारा काफी है। बैठ जा। बहुत अच्छा बोले, इसलिए एक बार फिर से तालियां बजाओ उनके लिए। सुनते थे वो कर दिखाना ये बहुत मुश्किल होता है, ये सर ने करके दिखाया था। और मैं समझता हूँ कि पुलिस ये जो वर्ड है तो ये भरोसा जीतने के लिए
जनता के पुलिस और पब्लिक का ये जो संबंध है और इन दोनों के मिले जुले संबंध के साथ समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी। वरना होता ये है कि लोग नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीजें बताऊंगा कि ये वर्दियों के अंदर बैठे हुए लोग कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को इस फील्ड के लिए चुना और कहीं ना कहीं जनता के जिस तरह से हम देखते हैं कि सरहदों पर हमारे सिपाही इस देश को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, उसी तरह समाज के अंदर सोशल क्राइम ना बढ़े, क्रिमिनल एक्टिविटीज ना बढ़े, कोई और दूसरी एक्टिविटीज ना बढ़े, इसके लिए पूरी कोशिश करना और अपने काम को बखूबी अंजाम देना, ये किस तरह से किया जाता है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के ये वो लोग हैं जो ये करके दिखाते हैं अपने परिवार से दूर रहकर, या हम देखते हैं कि जहां जहां दिशा मिलती है वहां वहां परिवार साथ चला जाता है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की लाइफ होती है, ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं बल्कि हम में से ही लोग हैं, तो हमें भी इन्हें अपने जैसे ही समझना चाहिए। और सर यहां पर आए, सर आपका भी वेलकम है। बस यही कहकर मैं एक बात खत्म करूंगा कि जुदाई पर ही कायम है निजामे जिंदगानी भी, जुदाई पर ही कायम है निजामे जिंदगानी भी, जुदा होता है लग लग के गले साहिल से पानी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमूल सुभाष मोरे सर, और यहाँ पर जो हमारे वाघमोड़े सर यहाँ पर आए हैं, तो एक तरफ ये जीवन की और क्या कहेंगे कि ये जो दुनिया बनी है, दुनिया की परंपरा यही है कि किसी का आना होता है तो किसी का जाना होता है। तो जैसा कहेंगे कि सर हर मिलन का अंजाम जुदाई होता है, इसी पर दुनिया चलती है। तो सबसे पहले जहाँ पर हमें सर के जाने का दुख है, क्योंकि अमोल सर ने पुलिस डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट को ना सिर्फ एक पुलिस निरीक्षक के, एक पुलिस अधिकारी के रूप में या एक ऑफिसर के रूप में यहाँ पर रहा, बल्कि जिस तरह से एक परिवार का घर का बड़ा सदस्य घर को लेकर चलता है, उसी तरह इस डिपार्टमेंट को लेकर चलने का काम किया। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर सर का हमें यहाँ पर सराहना करनी चाहिए। एक छोटी सी यहाँ पर सर वाघमोड़े सर यहाँ पर मौजूद है, सर नए हैं, तो सर आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि मोरे सर की एक स्टोरी बहुत फेमस हुई थी। मैं अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ औरंगाबाद के अंदर, तो हमने देखा था कि यहाँ पर अजंता केव्स के अंदर जो वाटरफॉल है, तो वो सात कुंड है, तो जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो एक टूरिस्ट वहाँ पर गिर गया था। सुरू झालेले आदरणीय वाघमोडे साहेब, त्याचप्रमाणे कासले साहेब, त्याचप्रमाणे सेसर साहेब, आपले सोयगाव पोलीस स्टेशनचे सेसर साहेब, तसेच त्यांच्या बाजू बसलेले आपले बंडू काळे बीजेपी नेता, त्याचप्रमाणे हाजी साहेब आपले सोयगावचे सर्वे सर्वा, जिल्हा परिषद सदस्य गोपीभाऊ, फर्दापूरचे सरपंच जाकीरभाई, तंटामुक्ती मुक्तारभाई, प्रतिष्ठित नागरिक आणि आपल्या पोलीस स्टेशनच्या आदीतील पोलीस पाटील, सगळे पत्रकार मंडळी, इथं सर्वांनी आपल्या मोरे साहेबाला निरोप देण्यासाठी हजेरी लावली। सगळे फर्दापूर गाव हे सगळं जागरूक आहे, त्यांना सांगायचं काही कामच नाही आहे की मोरे साहेबांनी इथं पावसामुळे बदली झाली, पण त्यांनी अजून माझ्या मला अपेक्षा होती की त्यांनी 2 वर्ष इथं काढायला पाहिजे होते, फार लवकर त्यांनी बदली करून घेतली। चला आता ते कार्यालयीन त्यांना निरोप देण्यासाठी आपण सगळे जमलेलो आहोत। तर वाटपाला आम्हाला पोलीस पाटलाने त्यांनी वेळोवेळी जे महिन्याला 2 महिन्याच्या नंतर इथं आमची पोलीस पाटलाची मीटिंग घेत होती साहेब, आणि योग्य असं मार्गदर्शन आम्हाला ते करत होते, आणि एक अशा काही विशेष अशा टीप पण त्यांनी आम्हाला दिलेल्या आहेत, ते आता तुम्हाला सांगू शकत नाही। ते पोलीस पाटलांना केलेलं आहे, त्यातर्फे मी पोलीस पाटील सांगत त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि इथं थांबतो। इथं हजर असलेले PI SPSI कासले साहेब, सोयगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक शिरसाट साहेब, बबलू भाऊ जिल्हा परिषद सदस्य गोपी भाऊ, गावातील तंटामुक्ती अध्यक्ष मुक्तारभाई, वराडे साहेब निसार होम, पत्रकार मंडळी,
पोलीस पाटील गावातील प्रतिष्ठित नागरिक आणि बंधूंनो, जून फक्त 6 ते 7 महिने झाले असावे, परंतु मला दोनच शब्द सांगण्याची संधी दिलेली आहे, त्यामुळे मी जास्त काही वेळ घेणार नाही आहे। पण अगोदर मोरे साहेब 50 ओव्हरचा मॅच होत होता आणि रन 300 व्हायचे, आणि आता 20 ओव्हरचा मॅच होतो आणि रन 300 होता। त्याच्यामुळे मोरे साहेब 7 महिने राहिले, परंतु 6 महिन्यात डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, शिस्त ही महत्त्वाची असते आणि ती फरदापूरच्या जनतेच्या निदर्शनास आणून दिली। त्यामुळे मोरे साहेब तुम्ही या फरदापूरमध्ये कधीच विसरणार नाही। फरदापूर हे गाव जाताना तुम्ही लवकर गेले, परंतु आलेले साहेबही वाघमोडे साहेब तसंच फरदापूरवासियांना वागवून घेतील आणि मोरे साहेबांच्या पुढच्या आयुष्यास माझ्या परिवारातर्फे त्यांचं आरोग्यदायी जावं जीवन संयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। जय हिंद। सरांशी दोन शब्द बोला आणि आपले बबलू भैया, जाकीर सरपंच, आपले बंडू काळे संता मुक्तीचे अध्यक्ष, आपले आजच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आपल्या येथील नवनियुक्त पोलीस व पोलीस निरीक्षक वाघमोडे साहेब, तसेच सोयगावपूर जिल्ह्याचे पोलीस निरीक्षक शिरसाट साहेब, आपल्या येथील पोलीस उपनिरीक्षक श्री कासले साहेब, आणि ज्यांचा आपण सत्कार केलेला आहे असे आपल्या फरदापूर पोलीस स्टेशनचे आत्ताच बदली झालेले मोरे साहेब, आपल्या येथील भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बंडू काळे, बबलू भाजी आपले सोयगावचे सर्वे सर्व, आणि जिल्हा परिषद सदस्य गोपी भाऊ सोयगाव, त्यांचं पण कार्य कन्नडला पण चांगलं आहे हे मला माहिती मिळालेली आहे त्याच्याबद्दल काही, आणि ते सुद्धा आपल्या इथं, आणि मी त्यांना सांगतो की आमच्या फरदापूर इथे, तसं तर मोरे साहेब सुद्धा त्यांना सांगतीलच, पण फरदापूर हे गाव असं आहे आजपर्यंत की या ठिकाणी कधीही कोणत्याही प्रकारचा काही सामाजिक जातीय व हे आतापर्यंत झालेलं नाही आणि इथून पुढे सुद्धा होणार नाही। माननीय अमोलजी मोरे साहेब, आपल्या पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक, यांची बदली आणि त्यांचा पदभार स्वीकारण्यासाठी श्री वाघमोडे साहेब हे अशा कार्यक्रमाच्या उपस्थितीत सोयगाव पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक सर आणि आपले कासले साहेब हे पोलीस डिपार्टमेंटचे व्यक्ती, आपले समस्त पोलीस कर्मचारी आणि या सर इथं मुंबईहून आले होते आणि खरं कायद्याचं राज्य त्यांनी दाखवलं शॉर्टकट, आणि गोष्ट अशी आहे की पोलीस यंत्रणेचं मोठंच असं आहे, सदरक्षण आहे खरली ग्रहण आहे, म्हणजे मी वाईट करतोय तर मला संपवायचं नाही आहे, माझ्यातलं जे वाईट पण आहे ते संपवायचं आहे, म्हणून सरांनी कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा न दाखल करता, माझ्या मनात भीती निर्माण झाली की मी हे चुकीचं काम केलं तरच मला मोरे साहेब शिक्षा करतील, म्हणून माझ्या हातून चुकीचं काम झालंच नाही, आणि नेमके ते कोरोनासारख्या कठीण पिरियडमध्ये इथं आले, त्यांना व्यक्ती म्हणून काही कामं करावं वाटत होते पण ते एक अधिकारी म्हणून, सर्वच अधिकारी मग कुठल्याही क्षेत्रातले अधिकारी असोत ना, तर त्यांना अधिकारी म्हणून जे नियम असतात त्याच्या त्या कसोटीत असतात, असा आमच्या सामाजिक क्षेत्रात आमचा नेहमीचाच अनुभव आलेला आहे, तो अनुभव आम्हाला इथं आलेला आहे, योगायोग आमच्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच साहेब इथं आलेले आहेत, तर त्यांना मी सुदाम शिरसाट साहेबांना देतो की CCTV कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून बरीच जी काय गुन्हे घडणार आहेत तर ती पाबंद होतील, तर ती मागणी ही एक गावाचा नागरिक म्हणून पोलीस यंत्रणेच्या समोर ग्रामपंचायत यंत्रणेला करतो, तसे आपले गोपी भाऊ आहेत, हाजी साहेब पण आहेत, एक विनंती मी करू शकतो यावेळेस कारण संबंधित प्रश्न आहे, तर यावेळेस साहेबांच्या निरोप समारंभाला आवर्जून आपले पत्रकार मित्र, समस्त पोलीस पाटील संघटना, त्यांचे अध्यक्ष आणि माझे सर्व सहकारी मित्र सर्व आला, या प्रसंगी मलाही दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली, जे चुकलो त्याची जाहीर माफी आणि जे बरोबर असेल त्यावर काहीतरी सरपंच आहे आणि यंत्रणा कार्यवाही करेल अशी विनंती, यावेळेस मला पुन्हा एकदा बोलण्याची संधी दिली त्यावेळेस पुन्हा एकदा आभार, आणि साहेबांची तिकडची कार्यकाल भरभराटीची जाऊ आणि साहेबांकडून पोलीस यंत्रणेपर्यंत आत्तापर्यंत सहकार्य लाभलंय तसं लाभावं अशी विनंती करून म्हटलं।
जाकिर भाई यानंतर सर्वांचं बोलणं संपलं असं गृहित धरून आपले पोलीस पाटील पोलीस पाटलांना विनंती करतो की दोन शब्दामध्ये थोडक्यात पाटलांनी त्यांचं म्हणू व्यक्त करा. सन्माने सन्माने व्यासपीठ आणि समोर बसलेले माझे मित्र मोरे सरांबद्दल आणि मोरे सरांचा निरोप समारंभ आणि वाघमोरे सरांचा स्वागत समारंभ हा साहित्य कार्यक्रम इथे जाहीर आहे. आणि मोरे सरांनी जे अल्पावर तिथंच अगदी अल्प काळामध्येच आपल्या चांगल्या विचारांचं वितरण केलं आणि चांगले विधायक कामं त्यांनी केले, चांगल्या पद्धतीनं बीजरोपण केलं. अल्पावर तिथंच त्यांनी दबंग नावाची पदवी मिळवली आहे. ते मिळवणं काही एवढा सोपा विषय नसतो, ते ॲटोमॅटिक येतात. ते त्यांनी अल्पावर तिथंच मिळवले आणि कार्यप्रणाली त्यांची अशी होती की ते असे रेडीमेड ऑफिसर कधी वाटले नाही. आणि पाठ करून त्यांनी केलं की म्हणजे स्वयंपूर्त निर्णय असायचा त्यांचा, स्वतःच्या विचारातले निर्णय असायचे. कायदा थोडा बाजूला ठेवून द्यायचा आणि सामाजिक प्रबोधनाकडे त्यांचा जास्त कल असायचा. त्यामुळे कुठलंही अवघड कठीण प्रसंगी ते अगदी हिताभीनं हाताळायचे. मला एका कठीण प्रसंगी त्यांचा चांगला अनुभव आला की त्यांनी एकदम पद्धतशीरपणे सामाजिक प्रबोधन पण साधलं आणि कायद्याचं पावित्र्य, कायद्याचं महत्त्व आणि समाजाला त्याची किती गरज आहे, कायदे कसे प्रतिकात्मक असतात, त्याचं प्रतीक कसं तयार होतं हेही त्यांनी त्यातून दाखवून दिलं. त्यामुळे त्यानंतर वाघमोडे सरांचंही स्वागत एपीएससी साहेबांनी करावं असं सरांना विनंती करतो. विनंती करतो की त्यांनी प्रथम मोरे साहेबांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना शुभेच्छा द्याव्यात व वाघमोडे सरांचं स्वागत करावं. एकतर ऊन भरपूर आहे त्यामुळे टाळाधार सरांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन एकेकाने सदिच्छा द्यायच्या आहेत. सर्वप्रथम मी आपले बहुळ भावना अभिनंदन करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सरांना शुभेच्छा द्याव्या. सरांचं स्वागत आणि मोरे साहेबांचा निरोप दोन्ही एकत्र करूया. त्यानंतर आपले पर्धापूरचे माजी तत्वते अध्यक्ष मुख्तार भाई यांनी सरांचं स्वागत केलं. सर अजंटा सर सर अजंटा न्यूज के सर अजंटा न्यूज. त्यानंतर अजिंठा लेटचे आम्हाला नेहमी मदत करणार आहे. तो आपने देखिए अजंटा न्यूज़ के ग्रुप की तरफ से जो एपीआई साहब का मोरे साहब का जो सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी में पूरी मुकम्मल जानकारी हम देने वाले हैं. तो आपने लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, बहुत खास वीडियो है जो एपीआई साहब ने जो सेवन वाटर बॉल में अजंता की उसका जो सेवन वाटर बॉल है उसमें एक बंदा गिर गया था और बंदा गिरने के बाद जो एपीआई साहब ने जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना और शिंदे साहब जो पीएसआई साहब थे उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करके जो पहाड़ के ऊपर भागते भागते चढ़ा और वहाँ जाके बच्ची की जान बचाना, तो बहुत मैं तो बोलता इतने मैंने आज तक कोई इस तरीके का बंदा नहीं देखा. और एपीआई साहब ने जो उस बच्चे की जान बचाए वो वीडियो भी हमने अपलोड किए, वो भी आपके जाके अजंता न्यूज़ पे देख सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई थी. और दूसरी बात तो ये बताना चाहता हूँ, मैं अजंता घाट में आपको तो पता है अजंता घाट का रोड कैसा है, किस तरीके का रोड है और किस तरीके के बार बार जो हादसे हो रहे हैं इसी के बारे में हम बात करेंगे. जो चार गाड़ियों का एक साथ जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पिकअप थी एक और छोटा हाथी था, जो छोटा हत्ती का जो बीच में बराबर चार गाड़ियाँ दो ट्रक थी तो उसके बीचों बीच जो एक्सीडेंट हो गया था और एक बंदा बीच में जो पिकअप के अंदर जो एक बंदा फंस गया था जो उसके नीचे क्लच प्लेट में उसका पैर फंस गया था, उसमें तो मोरे साहब ने और शिंदे साहब ने किस तरीके से मेहनत करके उस बंदे को बचाए
ये वीडियो में तो आपको हमने अपलोड करे हुए वीडियो हमने अजंता न्यूज़ पे अपलोड करे हुए, और जो एपीआई साहब और शिंदे साहब ने जिस तरीके से अजंता घाट में जो एक्सीडेंट बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें किस तरीके से खुद मदद की है, तो उन्होंने मदद की है, वीडियो भी हमने अपलोड करे हुए, वो भी आप अजंता न्यूज़ पे जाके देख सकते हैं। बहुत से वीडियो हमने अजंता घाट के बारे में अपलोड करे हुए, तो वो भी जाके देख सकते हैं। और मेरे भाई आप अजंता घाट का रोड स्टार्ट हो चुका है बनना, और वो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों से तमाम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग सत्कार कर रहे हैं हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं अजंता न्यूज़ की तरफ से। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एपीआई साहब ने अजंता घाट के अंदर अजंता केव्स के अंदर जितने भी वहाँ, तो आपने वीडियो के अंदर देखे सभी सत्कार जो एपीआई साहब का करते हुए नजर आ रहे धनबाद के, फरदापुर के और थाने के सभी लोग, तो मेरे आप लोगों से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सोएगांव पॉलिटिशियन के एपीआई साहब और फरदापुर के पॉलिटिशियन के एपीआई साहब नज़र आ रहे, और जो हमारे सरपंच साहब जो आपको सामने नज़र आ रहे जाकिर भाई, तो इसी का आपको हम जानकारी अजंता न्यूज़ पे देते रहेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए आपने। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है भाई, जो अजंता घाट के अंदर जितने एक्सीडेंट होते तो उसमें हर इंसान जो मैकेनिक है अजंता के मैकेनिक फरदापुर के लोग जिस तरीके से मदद करते हो, तो उनके भी लिए मैं तहे दिल से अजंता न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कहीं भी हिंदुस्तान में जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ तो एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जहाँ भी एक्सीडेंट है एक दूसरे की जान बचाना चाहिए, जिस तरह की मदद किए थे, तो उसी के बारे में हम पूरी मुकम्मल जानकारी इसके दूसरे पार्ट में हम बताने वाले। बहुत से वीडियो हमने अपलोड करे हुए और बहुत से वीडियो अपलोड नहीं करे हुए हमने, तो वो भी देखना चाहिए आपको अजंता न्यूज़ पे जाके। एक समाज सेवा चैनल है तो आप ही के लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं भाई, क्या घाट का रोड कैसा है, और जो भी वीडियो हम बताना चाहते हैं आपको तो देखना चाहिए आपने, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है भाई, हर लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, हर ड्राइवर तक।